हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, और उसी के साथ हम एक चार्ट ले लेंगे, और उसके ऊपर ये रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजी का हम ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी में हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे, और उसके रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे। हमारी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए हम चार्ट को 60 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम हमारे चार्ट को 60 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी एंट्री और एग्जिट जो रहती है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई करने को आती है। तो चलिए, मैं अभी डायरेक्टली चार्ट ओपन करता हूँ, और चार्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये यूपीएल का चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये वीकली चार्ट है। अभी ये चार्ट के ऊपर हम थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों, स्ट्रेटेजी देखने से पहले हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि किस तरह से होते रहता है। अभी हमारे सामने जो एक कैंडलस्टिक दिख रही है वो एक वीक की है। कभी भी करंट कैंडलस्टिक प्रीवियस वीक का हाई या लो अगर ब्रेकआउट देते हैं तो उसी डायरेक्शन में उसमें अच्छी खासी मूवमेंट आने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हाई जब भी ब्रेक हुआ, इसका हाई था 652 का, जब भी इसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो ये दूसरे वीक में ये स्टॉक में मूवमेंट आ गई 716 तक, राइट। तो जब भी इसने इसका हाई ब्रेकआउट दिया तो उसमें एक मोमेंटम बन गया, और ये उसमें अगले वीक में अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। वैसे ही ये कैंडल पे आप देख सकते हैं, इसका हाई जब भी ब्रेकआउट हुआ तो उसमें यहाँ तक की मूवमेंट आ गई, राइट। फिर इसका हाई ब्रेकआउट हुआ उसमें यहाँ तक की मूवमेंट आ गई, राइट। तो उसी तरह से होते रहता है। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कैंडल का आप देख सकते हैं, इसका लो ब्रेकआउट हुआ तो इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट फिर डाउनवर्ड साइड में आ गई थी। तो जनरली मैक्सिमम कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे जब भी वीक का हाई या लो ब्रेकआउट होते रहता है तो स्टॉक में उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आती रहती है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी हमारे चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट होता है लेकिन स्टॉक में मूवमेंट नहीं आती, और मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी फाइनली हम हमारी ट्रेडिंग कर रहे हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ही नजदीक होने वाला है, तो उसके वजह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है तो हमें उसके बदले रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो उसी वजह से हम वीकली चार्ट और 60 मिनट चार्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे। वीकली चार्ट हम खाली रेंजेस बनाने के लिए अप्लाई करेंगे, और हमारी ट्रेडिंग जो होने वाली है वो 60 मिनट चार्ट के ऊपर होने वाली है। तो चलिए, अभी डायरेक्टली हम हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मान लीजिए हमारा करंट वीक था, जो पिछला वीक था वो
ये किस तरह की कैंडल बनी थी, उसका प्रीवियस वीक था ये। अभी स्ट्रेटेजी किस तरह से है वो देखने के लिए हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो प्रीवियस वीक है ये कैंडल का, उसके हमें रेंजेस मार्कआउट करने हैं, यानी कि उसका जो हाई और जो उसका लो है उसे हमें मार्कआउट करना है। मान लीजिए ये कैंडल का मैंने हाई और लो मार्कआउट कर दिया, अभी ये कैंडल में हमें ट्रेडिंग करनी है, राइट। अभी आपको अगर आने वाली वीक में करना है तो आप कैसे करेंगे कि जो करंट वीक की खत्म हुई जो भी कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करना है और उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। वो किस तरह से करनी है वो हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो ये कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल थी वीक की, उसका हमने हाई लो मार्कआउट कर दिया। जब भी हम हाई लो मार्कआउट करते हैं तो हमें फिर ये चार्ट को 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप ऊपर डेट देख सकते हैं, ये प्रीवियस जो वीक था ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ, उसका लास्ट दिन था 14th of June का, तो उसके नेक्स्ट दिन में हमें एंट्री लेनी थी। तो मैं 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 14th of June कहाँ पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर डेट 14th of June 2019। तो ये जो 14th of June है ये प्रीवियस वीक का हमारा लास्ट डे था। अभी यहाँ से हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होता है जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है। हमें क्या करना है कि वीक का हाई ब्रेकआउट होता है या लो ब्रेकआउट होता है वो हमें देखना है। अभी हमने यहाँ पे 60 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग का देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि 60 मिनट के कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक नीचे जाता है लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर आकर क्लोज होता है, उस तरह की सिचुएशन में उसे अवॉइड करेंगे हम। जब भी 60 मिनट के कैंडलस्टिक के ऊपर जब भी क्लोजिंग बेसिस पे वो ये लेवल के नीचे जाकर क्लोज होना चाहिए, उस तरह का ब्रेकआउट मिला तो ही हमारे लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाती है, राइट। तो ये 17th of June है, ये 14th था, ये 17th है, तो यहाँ से हमारा अगला वीक शुरू होता है, तो हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं, ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था, यहाँ पे ब्रेकआउट कौन से भी साइड में नहीं मिला, लेकिन ये जो दिन था 19th of June का, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया डाउनवर्ड साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी किस तरह से करना है। तो ये पहली कैंडल थी, ये दूसरी कैंडल थी, और तीसरे कैंडल पे हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया। जब भी इस तरह का ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या करना है कि अभी इसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। अभी ये ब्रेकडाउन हुआ है, निचले साइड पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग हमें किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगले जो आवर की कैंडल है मैक्सिमम टाइम पे थोड़ा रिट्रेस होकर जो ऊपर वाली लाइन है वहां तक मैक्सिमम टाइम पे आती ही आती है। जो ऊपर वाली लाइन थी हमारे लिए पहले सपोर्ट वर्कआउट कर रही थी, जब भी ये स्टॉक नीचे जाकर क्लोज होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगी। तो हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट आवर की जो भी कैंडल बन रही है उसे थोड़ा हमें रिट्रेस होने देना है, और उसे हमें ये सपोर्ट लेवल के आसपास आने देना है, यानी कि जब भी हम नीचे रहेंगे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो लेवल तक हमें आने देना है, और जब भी वो लेवल के आसपास हमें दिखेगा वहां पे इमीडिएटली हमें पोजीशन बनानी है शॉर्ट की, राइट। हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए इसका हाई था 981, तो 981 के आसपास हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ब्रेकडाउन जो भी कैंडल ने दिया था क्लोजिंग बेसिस पे उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसका हाई था 987, तो 981 से 987, तो लेस देन 1% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है, राइट। अभी हमें क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जब भी रिट्रेस हुआ था हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, ये पोजीशन बन गई, ये स्टॉप लॉस का हो गया। अभी हमें क्या करना है कि जब भी स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है तो जब भी आधा परसेंट मिलेगा तो इमीडिएटली हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, और रिमेनिंग क्वांटिटी को हमें ट्रेल करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फिर कितनी अच्छी खासी मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में आ गई, और ये स्टॉक ने लो बना दिया 938 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल जब भी रिट्रेस हुई थी तो हमने 981 के आसपास यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, और ये स्टॉक ने यहाँ पे फिर 938 के आसपास इसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ गई। तो इस तरह से करना है दोस्तों। और उसके नेक्स्ट दिन में भी आप देख सकते हैं कि और भी ज्यादा ये स्टॉक में गिरावट आ गई थी, और ये स्टॉक फिर 833 के आसपास चला गया था। तो इस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों, हमें सिंपल तरीके से करना है कि जो भी वीकली चार्ट रहेगा वो वीकली चार्ट का, जैसे कि अभी मैंने बैक टेस्टिंग करके दिखाया, वैसे वैसे भी आप करंट चार्ट भी चार्ट पे भी कर सकते हैं। अभी बैक टेस्टिंग का हमने किस तरह से किया था कि वीक का हाई और लो हमने मार्कआउट किया था, मार्कआउट करने के बाद हमने 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट किया था, और जब भी आवरली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकआउट मिला तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें पोजीशन बनानी थी। पोजीशन हमने कब बनाई, रिट्रेसमेंट होने के बाद जब भी ये लाइन के पास स्टॉक आया वहां पे हमने पोजीशन बनाई स्टॉप लॉस ये कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट को हम आधे परसेंट पे निकाल कर आधे रिमेनिंग क्वांटिटी को हम ट्रेल करते जाएंगे। तो इस तरह से करना है हमें, तो इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी रेशियो फेवरेबल हो जाएगा, और स्टॉक में भी बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट आएगी, तो हमें अच्छा खासा रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे ही मिलेगा, और हम अच्छी तरह से ट्रेलिंग कर पाएंगे तो और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से करना है। अगर आपको आने वाली वीक के लिए भी आपको चेक करना है तो आप किस तरह से करेंगे, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप किस तरह से करेंगे कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये अभी करंट जो प्रीवियस वीक था ये क्लोजिंग है उसकी, तो उसका हाई मार्क करना है, इसका लो मार्क करना है, राइट।
और जिसी भी डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट मिलेगा आवरली चार्ट पे, हमें आवरली चार्ट पे कन्वर्ट करना है, इस तरह के हमें रेंजेस मिल जाएंगे। जिसी भी साइड पे इस तरह का क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनानी है, और जैसे कि अभी मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस का बोला उस तरह से हमें उसमें एंट्री और एग्जिट करना है। मान लीजिए ये स्टॉक अगले वीक में ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता, कभी कभी आप जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी कैंडल थी ये वीक की, राइट, ये वीक की कैंडल अगर आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ी कैंडल थी, और मान लीजिए कि अगले वीक में ये कहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं देता, ना ऊपर ब्रेकआउट देता है ना नीचे ब्रेकआउट देता है, तो उस तरह की सिचुएशन में हम ये स्टॉक में ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, हम दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे, उसमें हम सेम लॉजिक करके अप्लाई करके उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। तो इस तरह से सिंपल तरीके से भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के दिन में हमने जो भी स्ट्रेटेजी डिस्कस की आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। दोस्तों और एक बात यहाँ पे बताने की रह गई, जो कि जब भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे हमें वॉल्यूम भी देखना है। मान लीजिए कहाँ पे भी अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है और उसके टाइम पे अगर वॉल्यूम भी अच्छा होगा तो हमारा कंफर्मेशन और भी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए आने वाली वीक में अगर कहाँ पे हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ऊपर के साइड में मिलता है और वहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी मिलता है तो उसमें हमारा ट्रेडिंग का जो कन्फर्मेशन रहता है वो और भी बढ़ जाता है। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है जो भी हमने आज डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।